हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमीरांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य नमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं गुरु श्रीगुरो श्रीयुत्पकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सरितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखाविंतं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंश कल्पत्रुभ्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। देवान रुसिन नु भृतानि भृतुन आत्मनम अन्वहन स्ववृत्त आगत वृतेन यजेत पुरुषम पृथक। शब्दों का अर्थ समझते हैं। देवान देवताओं को, रुसिन ऋषियों को, नृ मानव समाज, भूतानि जीवों को, पितृन पुरखों को, आत्मनम अपने आत्मा को या परमात्मा को, अनवहन नित्य प्रति, स्ववृत्ता अपनी जीविका के साधन से, आगत वृतेन स्व आने वाले धन से, यजत पूजा करे, पुरुषम प्रत्येक के हृदय स्थित पुरुष को, पृथक अलग से। इसका भावत समझते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह उन परम पुरुष की पूजा करे जो प्रत्येक के हृदय में स्थित है और इस आधार पर उस देवताओं को, साधु पुरुषों को, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों, अपने पुरखों तथा आत्मा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह प्रत्येक के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकते हैं। तो अगर श्लोक नंबर 15 को हम समझना चाहें तो वो क्या कहता है कि हम जो एक गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ जो अपनी जीविका जी रहा है, उसके पास एडिशनल जो सेविंग्स आ रही है, जो उसके पास एडिशनल फंड एक्युमुलेट हो रहा है, उस फंड को उसे क्या करना चाहिए। उस फंड से उसे सारे डेमी गॉड्स है, सारे देवी देवता है, मानव समाज है, जो अपने नीचे की कुल में जन्म लिए है, जैसे कल अभी हमने देखा था कि जानवर है, डॉग्स है, कुत्ते हैं, उन सबकी भी पूजा करनी चाहिए, उन सबको भी खाना खिलाना चाहिए, उन सबको भी वहां उनका जो पैसा होता है वो वहां उनको स्पेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे जिसने जन्म लिया है, जो यहाँ इस कलयुग में जी रहे हैं या जो मानव समाज में जी रहे, चाहे वो एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जी रहे हो या चाहे वो मनुष्य जीवन में जी रहे हो या एक जानवर के जीवन में जी रहे हो, सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड्स है, सभी और सब अंश है भगवान के। तो क्या करना चाहिए? सबको वर्शिप करनी चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए। अभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जानवरों की पूजा करें, नहीं, जानवरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर उनको भी अपनी बेसिक नेसेसिटी हमें देनी चाहिए ताकि वो भी अपना जीवन व्यापन कर सके। और रही बात पुरखों की, तो पुरखो है अपने जो फोर फादर्स है, अपने जो देवी देवता है, ब्राह्मण्स है, वैष्णव्स है, उनको क्या करना चाहिए? उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनको खाना प्रसादम देना चाहिए। और इस तरह से जब आप एक गृहस्थ लाइफ जीते हो ना, तो क्या होता है, तो भगवान, क्योंकि भगवान तो स्वयं क्या कहते हैं, भगवान में हर एक में बसता हूं, तो भगवान हर एक के अंश में है। तो जब आप इन सब की भी सेवा करोगे ना, तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। और जब भगवान खुश होंगे तो आपको भगवत भक्ति की तरफ और आगे बढ़ाते हुए मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। इस तरह से श्लोक 15 है। श्लोक 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक 16 क्या कहता है? यहिम आत्मनम अधिकार अद्य सर्वस्यु सियग्न संपदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्र आदिना यजेत। शब्दों का अर्थ समझते हैं। यहिम जब आत्मनम अपना अधिकार अद्य पूर्ण अधिकार के अंतर्गत उस समीप के वस्तु सर्व समस्त स्यु हो जाता है, यज्ञ संपद यज्ञ संपन्न करने की सामग्री या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का साधन, वैता निकेतन यज्ञ करने के बताने वाली प्रमाणिक पुस्तक से, विधिना विधि के अनुसार, अग्निहोत्र आदिना अग्नि में यज्ञ करने से, यजेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। इसका तात्पर्य समझते हैं। जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो जाए तो उस
उसको पूर्ण नियंत्रण में हो, पूर्ण उसके पूर्ण नियंत्रण में हो और जिसने वह यज्ञ संपन्न कर सके अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके तो उसे शास्त्रों के निर्देश अनुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये क्या श्लोक कहता है? श्लोक कहता है कि हम देखो, एक होता है कि जो अपनी जीविका चला के अपने भगवान की चैंटिंग करके और भगवत श्रवण करके अपनी जिंदगी जी रहा है, पर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनके भगवान को स्पेशल ब्लेसिंग्स मिले हैं। उनकी अगर कुंडली लिखी जाए तो उनकी कुंडली अच्छे से फ्लैश लाइट में लिखी गई है, तो उनके पास अच्छा धन है, अच्छे से आवक के साधन है, तो उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, उनके पास अगर एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो वो इनकम क्या करनी चाहिए? वो इनकम ऐसे आगे भी पढ़ा था हमने कि उसको एक्युमुलेट करना या उसको और अराउंड माया के बंधन में बंधने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, पर उसको वो इनकम कहाँ यूज करनी चाहिए? उसको वो इनकम यूज करनी चाहिए यज्ञ करने में। जब वो हमारे पिछले कर्मों के आधार हमें जो अधिक धन मिलता है ना, तो वो धन हमें कहाँ यूज करना चाहिए? वो धन हमें यज्ञ करना चाहिए, वो धन से हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, वो धन से हमें मंदिर में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चाहिए, प्रीचिंग के लिए यूज करना चाहिए। जब इस तरह से आप वो पैसा यूज करोगे ना, तो वो पैसा भी शुद्ध होगा और आप कर्म के बंधन से मुक्त होने लगोगे। क्योंकि देखो, जब पैसा आप एक पैसे को आप दूसरी जगह जब पैसे कमा रहे हो, तो वो पैसा अगर आप भगवान को दान नहीं करोगे उसके पार्ट एंड पार्सल, तो क्या होगा? आप कर्म के बंधन में बनते जाओगे। पर आगे श्लोक में आगे भी कहा गया है, जब आप कुछ भी आय कर रहे हो, उसका पर्टिकुलर परसेंटेज जब आप भगवान को देना शुरू करते हो, जब आप वो पैसा भगवान के सेवा में यूज करना शुरू करते हो, तो क्या होता है? आप कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हो। तो इसी तरह श्लोक 7 में भी हमने पढ़ा था कि आगे जब हमने पढ़ा था श्लोक 7 में, वो क्या कहता है कि यज्ञ किया जाए, घी के साथ यज्ञ किया जाए, अच्छे अनाज और ये सब उसमें अग्नि यज्ञ में आहुति दी गई, यज्ञ किया जाए। और इवन भगवत गीता के श्लोक नंबर 3.9 में कहा गया है कि जो हम हमारे कर्म सनातन धर्म के हिसाब से जो हम अपने कर्म में बंधे हुए हैं, जो हम अपने काम कर रहे हैं, वो सारे रिजल्ट्स को, सारे ड्यूटल रिजल्ट्स हमें जो भी मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, देखो आज के जमाने में क्या मिलने वाले, रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पैसा ही मिलता है मोर ऑर लेस। तो वो जो पैसा होता है उसको सत्कर्म में यूज करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो ना, तो शास्त्रों के अनुसार कहा गया कि वो सारे, जब आप इस तरह से अपना धन को भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में जब यूज करना चाहते हो, तो भगवान संतुष्ट होते हैं और हमारे लिए मोक्ष के द्वार ओपन होता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि सारे यज्ञ जब आप करते हो ना, तो किसको सेटिस्फाई करता है? वो सेटिस्फाई करता है सुप्रीम लॉर्ड को। आप जब यज्ञ में आहुति डालते हो, तो वो आहुति जाती है परम तत्व परमात्मा को। वेद भी हमें कहता है कि सुप्रीम लॉर्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। आगे भी हमने डिस्कस किया था, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सत्ययुग में तो ये ऑप्शन था कि सत्ययुग में ध्यान लोग करते थे और ध्यान करके भगवान का आचरण करते थे और भगवान की मोक्ष के प्राप्त करते थे। जब त्रेता युग में आओ, तो त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसमें बड़ी बड़ी आहुति होती थी। वो यहाँ यज्ञ समझते हो तो महीने सालों साल चलते थे यज्ञ। पर आज के जो युग है उसके अंदर सालों साल तो क्या, 2 घंटे और घंटे में यज्ञ पूरे हो जाते हैं। ये हुआ। फिर द्वापर युग में क्या था? द्वापर युग में मंदिर में पूजाएं होती थी, वहां बड़े बड़े मंदिर बनते थे और बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होती थी। आज भी जो मंदिर देखते हैं, वो मंदिर क्या है? वो द्वापर युग में बने, कहीं ना कहीं द्वापर युग के मंदिर है, जो कहीं सुनते हैं 5,000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने मंदिर है। तो ये सब क्या है? द्वापर युग के मंदिर है जिनमें आज भी पूजा होती है। पर अगर हम कलयुग को समझना चाहे, तो कलयुग में क्या हम बड़े मंदिर बनाने का, एक आदमी ऐसा कर सकता है साहस के जो बड़ा मंदिर बना सके? एक आदमी ऐसा है, पॉसिबल है कि जो ध्यान करके भगवान का आचरण कर सके? नहीं। कहीं आती है बात यज्ञ करने की, तो आज हम भी यज्ञ करवाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग छोटे छोटे सत्यनारायण कथा और ऐसी छोटी छोटी कथाएं करवाते हैं, क्योंकि हमारे भी लिमिटेशन है। आइदर टाइम लिमिटेशन आ जाता है या तो पैसों का लिमिटेशन आ जाता है। और अगर टाइम और पैसों का लिमिटेशन ना आ जाए, तो हमें यह ढूंढना पड़ता है कि अच्छे महाराज कहाँ मिलेंगे जो हमें अच्छे से यज्ञ करवा सके। तो ये सारी गतिविधियों के साथ हमें यज्ञ करना है। तो ये जब कलयुग के अंदर कहा गया है कि भाई भले आपने क्या बोलते हैं कि सत्ययुग में आपने ध्यान करके किया, त्रेता युग के अंदर आपने यज्ञ किए, द्वापर युग में आपने मंदिरों में पूजा की, पर कलयुग में अगर आप इस किसी में ना जाके, ना आपके पास अच्छा घी अवेलेबल है, ना अच्छा सा अनाज अवेलेबल है जिससे आप यज्ञ में आहुति दे सको, तो फिर क्या ऑप्शन बचा अपने पास? हमने आगे भी डिस्कस किया था कलयुग के अंदर क्या ऑप्शन है। कलयुग के अंदर है संकीर्त यज्ञ।
संकीर्तन संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप ये यज्ञ की यज्ञ स्टार्ट करते हो ना, तो आपके सारे जो आप आहुति देके अब जो यज्ञ का फल आप कर सकते हो उससे भी अच्छा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ करवाते हो ना तो आप तो सिर्फ बैठे हो और जो वो सारी पूजा विद्या कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो सारे पूजा विद्या ब्राह्मण कर रहा है। आप बैठे हो या आपका दिमाग कहीं चल रहा है, पर जब आप संकीर्तन यज्ञ में जाते हो, जब आप चैंटिंग द होली नेम में जाते हो, तो क्या कर रहे हो? आप स्वयं का टाइम दे रहे हो, स्वयं को इन्वॉल्व कर रहे हो, ना किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो। आप स्वयं इन्वॉल्व हो रहे हो, स्वयं का टाइम दे रहे हो। और आगे ये भी हमने सुना है कि देखो भगवान क्या चाहता है। भगवान ये देख रहा है ना कि भाई बंदे ने हमारा टाइम तो दिया, आज तो किसी के पास एक रुपये का टाइम नहीं है, पर हम डेढ़ दो घंटे ढाई घंटे भगवान के चैंटिंग में दे रहे हैं, उनकी पूजा में दे रहे हैं, भागवत श्रवण में दे रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भगवान को भी पता है कि भाई देख, एक मनुष्य है जो मेरे लिए दो तीन घंटे तो निकल रहा है, तो इससे अच्छा फल क्या हो सकता है हमारे लिए। तो कलयुग के अंदर कहा गया है कि और कुछ ना करो, ना करो संकीर्तन यज्ञ करो संकीर्तन। और अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो अच्छे से पैसा कमा रहा है और जिसके पास अच्छा वेल्थ है, तो वो संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। साथ में क्या कर सकता है? साथ में अच्छा सा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वो प्रसाद ब्राह्मणों को देना चाहिए, वो प्रसाद वैष्णवों को देना चाहिए, वो जितने डिवोटीज आए हैं उनको देना चाहिए, बाकी और जो प्रसाद बचता है तो वो जानवरों को और इनको देना चाहिए, ताकि सबका शुद्धिकरण हो। समाज में जितने लोग बैठे हो सबका कुछ ना कुछ जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ शुद्धिकरण होगा, उसके अंदर एक अंश तो जाएगा पॉजिटिविटी का। और जब वो पॉजिटिविटी का अंश जाएगा ना, तो अपने आप धीमे धीमे समाज में भी पॉजिटिविटी आएगी और समाज भी उस तरह की ओर आगे बढ़ता जाएगा। आज हमारे पास अगर जो धनी व्यक्ति देखा जाए तो धनी व्यक्ति क्या कहता है? धनी व्यक्ति की प्योरली मेंटेलिटी क्या होती है? ये धन मैंने कमाया है, ये बिजनेस मैंने खड़ा किया है, ये इंडस्ट्री मैंने खड़ी की है। अगर कोई प्रोफेसर को पूछो तो जो बोलेगा कि ये सीए मैं हुआ हूँ, ये डॉक्टर मैं बना हूँ, पर वेदर ये उसने किया है नहीं, ये किसने किया? ये भगवान ने जब हमें दिमाग दिया, जब भगवान ने हमें ये सोचने की, समझने की, हमें नॉलेज पढ़ने की, हमें पढ़ने की ताकत दी, हमें समझने की ताकत दी, तब जाके हम इस लेवल पे पहुंचे, जब जाके हम चार इंडस्ट्री खड़ी कर पाए, तब जाके हम चार बिजनेस खड़े कर पाए। तो ये दिया किसने है? भगवान ने। आगे भी हमने पढ़ा था वी आर जस्ट द यूजर्स, पूरा ओनर कौन है? भगवान है। सृष्टि करता हर्ता कौन है? भगवान है। तो उसको देने में क्या प्रॉब्लम है? पर नहीं, हम उसको देने की बजाय क्या करते हैं? हम वही माया के अंदर और फंसते जाते हैं। शांति चाहिए मन की, तो हम कहीं मंदिर में नहीं जाके बैठेंगे, हम जाके मल्टीप्लेक्स में जाके बैठेंगे। मंदिर की शांति की जगह जहां हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल सकता है वहां नहीं, हम मन की शांति के लिए कहां जाएंगे? मल्टीप्लेक्स। वहां जाके कोई शांति मिलने वाली नहीं है, जाके पैसों खर्च करके आएंगे, फिर चार दिन होंगे, फिर वापस मन अशांत होगा, मन अशांत होगा तो फिर कहां जाएंगे? फिर वापस जाके मल्टीप्लेक्स जाके बैठेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। आज के युग में हमारा पैसा माया को भोगने में नहीं जाना चाहिए, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में डाइवर्ट होना चाहिए। तो हम जितना भी अर्न कमाते हैं उसका पर्टिकुलर परसेंटेज जब हम स्पिरिचुअल लाइन में डाइवर्ट करना सीखेंगे ना, तो हमारे आप में से जो पैसों की तरफ, जो माया की तरफ का जो आकर्षण है ना, वो भी धीमे धीमे कम होता जाएगा और हम भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आगे बढ़ते जाएंगे। रिजल्ट में क्या होगा? वही है कि अगर हम माया के चक्कर में पड़े तो और अशांति बढ़ेगी, और अगर हम सात्विक गुणों की तरफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बढ़ेंगे तो मन की शांति बढ़ेगी, मन को आराम मिलेगा और हम भागवत भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो फाइनली अगर हम श्लोक नंबर 16 को समझे और भी, तो क्या समझे कि जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, वो इनकम को हमें यज्ञ में, संकीर्तन यज्ञ में स्प्रेड करना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में इसको और बढ़ाना चाहिए, ताकि हर मनुष्य को भगवत गीता का ज्ञान मिल सके, हर मनुष्य को भगवत तम का ज्ञान मिल सके, और हर मनुष्य संकीर्तन यज्ञ का इंपॉर्टेंस समझ सके, ताकि जैसे हर शाम को या तो हर दिन या तो हर मोहल्ले और हर गली में जहां म्यूजिक बजता है, वहां म्यूजिक बज के हरि नाम का गुण गाया जाए और हर तरह पॉजिटिविटी फैलती जाए, और ये कोरोना जैसे हर एक बीमारियां हर एक सबको झेलने की हमें ताकत है। आज ये सब बीमारियां भी आ रही है, या ये सब जो प्राकृतिक हमारे पे जो आ रहे आपदा आ रही है, वो क्या है? दिन ब दिन हम भगवान को भूलते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम माया के क्लसेस में इतने फंसते जा रहे हैं, और अहम मैं खुद सब करता हूँ ये वाली जब मेंटेलिटी आ रही है ना, उसकी वजह से भगवान बता रहा है भाई तू कुछ करने वाला नहीं है, जो करने वाला हूँ मैं हूँ, और इसका रिजल्ट हम भोग भी रहे। तो और आज अगर सब लोग कोई सेफ जोन में भी जो घूम रहे हैं ना, तो वही है कि जो शायद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो और मोर और लेस वो और सेफ है, या तो उस अपने कर्म के हिसाब से भोग रहे हैं। पर हाँ, जो ये कहा जाए कि जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको भी प्रॉब्लम आनी है, प्रॉब्लम तो उसको भी आती है, पर क्या होता है जब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, जब वो हरि नाम में इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको जो 100% प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, वो 20-30% में निकल जाती है। पर हाँ, उसको वो भी लगता है कि ये भी क्यों आई,
पर हाँ समझो भाई, जो आप 100% इम्पैक्ट हो सकते थे, जहां पूरे गिर सकते थे, वहां आप आधे में संभल के फिर से खड़े होकर आगे निकल गए। तो इस तरह से 16वां श्लोक कहता है कि अपने पास जो एडिशनल वेल्थ हो, जो एडिशनल पैसा हो, वो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में स्प्रेड करनी चाहिए, वो संकीर्तन यज्ञ में स्प्रेड करके कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और सबको भगवत भक्ति की तरफ मुड़ना चाहिए। श्लोक नंबर 17 और 18 कवर करते हैं और दोनों को साथ में बोलता हूं ताकि दोनों एक साथ में ही कनेक्टेड है। श्लोक नंबर 17 क्या कहता है? नहि अग्नि मुखत अयम वे भगवान सर्व यज्ञ भूख इज्यते हविसा राजन यथा विप्र मुखे हुते है। शब्दों का अर्थ समझते हैं, नहीं ही नहीं संदेह है, अग्नि आग, मुखत मुख से ज्वाला से, अयम यह वे निश्चय ही भगवान 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 श्री कृष्ण सर्व यज्ञ भूख सभी प्रकार के यज्ञों के फलों के भोक्ता इज्यते पूजा पूजे जाते हैं हविसा घी की आहुति से राजन हे राजा यथा जितना विपमुखे ब्राह्मणों के मुख से होकर होते हैं उत्तम भोजन की भेंट चढ़ाकर। इसका अर्थ समझते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञ आहुति के भोक्ता है, यद्यपि ये अग्नि में डाली गई आहुतियां खाते हैं, फिर भी हे राजन जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। हमने आगे भी देखा कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप मेरे में यज्ञ करोगे और अगर मुझे आहुति दोगे या मुझे प्रसाद खिलाओगे तो उससे मैं संतुष्ट होऊंगा, पर बाकी समाज का क्या? अगर समाज का कल्याण करना है एज अ हाउस होल्डर क्या मेरी यही जवाबदारी है? क्या मैं गृह मेडी हूं कि जो मैं अपने ही परिवार के बारे में सोचूं, अपनी फैमिली अपने बारे में सोचूं? नहीं, मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ का काम है कृष्ण को सेंटर में रख के अपनी जीविका जीना और साथ साथ में मानव समाज का भी कल्याण करना। तो ये गृहस्थ की ड्यूटी आती है, गृहस्थ जो होता है उसका ये भी काम है कि साथ में वो खुद की फैमिली ना, आसपास के नेबर्स है, आसपास का समाज है, जहां तक वो फैल सकता है, जहां तक वो पॉजिटिविटी फैला सकता है, उसको ये करना चाहिए। और ये इसलिए श्री कृष्ण कहता है कि भाई अगर आप प्रसन्न हो, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो घी की आहुति और अनाज की आहुति मुझे मत दो, पर वो आहुति से अगर आप योग्य ब्राह्मण को, योग्य वैष्णव को, योग्य डिवोटीज को जब आप ये बांटने चाहोगे और आप समाज में भी जब बांटोगे ना, तो ऑटोमेटिक हर एक मनुष्य के अंदर भगवान का अंश है, तो मुझे भी मिलेगा और साथ साथ में उनका भी शुद्धिकरण और उनका भी भगवत धाम की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अपनी ड्यूटी के रिजल्ट्स को कृष्ण अर्पण करना अच्छी बात है यज्ञ, पर कृष्ण कहते हैं कि घी है यज्ञ में डालने से अच्छा है ब्राह्मणों को प्रसाद के रूप में खिलाए और सबको बांट दो, तो जो बांट को सबको मिला तो मुझको भी मिल जाएगा। कृष्ण क्या कहते हैं, अगर वो सबको बांटोगे तो ऑटोमेटिक वो मुझ तक प्रसाद पहुंच ही जाएगा। प्योर घी और फूड मिलना आज तो मुश्किल है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कलयुग के अंदर? हमने आगे कहा संकीर्तन यज्ञ करो, पर संकीर्तन यज्ञ करना चलो ठीक है संकीर्तन, अगर हमारी श्लोक क्या कहता है कि संकीर्तन यज्ञ तो ठीक है, अगर हम 4 जन 5 जन मिलके या 50 जन मिलके संकीर्तन यज्ञ करते हैं एक ठीक है, पर अगर हमारे पास आजीविका है, हमारे पास अगर वेल्थ है, अगर हम इस पैसों को अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए और अच्छे से प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाने के बाद क्या करना चाहिए? प्रसाद बनाने के बाद भगवान को भोग लगा के सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो उसके लिए भी भगवत में उनको भी कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट करने का भी प्रोसेस क्या है। तो जब पहले जब भोग बनाते हो तो उसको भगवान को अर्पण करके जब प्रसाद बनता है तो वो प्रसाद सबसे पहले ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मणों को देने का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों को देने का अर्थ है कि आप देवी देवता को, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण देवी देवता के रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है। तो जो भी ब्राह्मण को जब अनाज देते हो, जब ब्राह्मण को प्रसाद खिलाते हो, तो फाइनली आप सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करते हो। जब ब्राह्मण को धन दिया जाए, ब्राह्मण को जब अनाज खिलाया जाए, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है किसको खिलाना चाहिए? तो बच्चे है, घर में जो बूढ़े हैं उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की आत्मा होती है ना, वो शुद्ध होती है, और कहीं कहीं आजा समझो तो आप जो एजेड लोग होते हैं वो भी अपने आप को भगवत भक्ति में और हरी नाम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो जब उनको जब प्रसाद जाता है ना तो भी भगवान संतुष्ट होते हैं। ये जब हो जाए तब क्या बचा? थर्ड बचे तो जो वुमेन्स है, जो घर में माताजी है उनको देना चाहिए, जो अदर डिवोटीज आए हैं उनको प्रसाद बांटना चाहिए, और इस तरह से सबको बांटने के बाद जो लास्ट में बचता है वो जानवरों को और इनको खिलाना चाहिए। क्या बोलते हैं कि नीचे कुल वाले लोग होते हैं उन सबको बांटना चाहिए, ताकि सबके अंदर भागवत भक्ति का प्रसाद मिले और भागवत भक्ति की तरफ वो आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो। फिर लास्ट में स्वयं इस तरह से कहा गया है श्लोक नंबर 17 और 18 को कि
जब आप अपना भोग संकीर्तन यज्ञ के साथ भोग करके भोग जब आप सबको बांटोगे तो क्या होगा, आप स्वयं को भी शुद्ध करोगे और सोसाइटी और जहां समाज में रह रहे उनको भी शुद्ध करने का एक प्रयास करोगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे कृष्णा भी खुश होंगे, क्योंकि कृष्णा स्वयं आगे भी पढ़ा, कृष्ण किससे खुश होंगे, कृष्ण यज्ञ और आहुति से खुश तो होंगे, पर जब आप समाज में हर एक को ये कृष्ण भावना रूप में लेने का एक स्टेप आगे बढ़ाओगे ना, कृष्ण इवन शायद भगवत गीता में भी कहा गया कि प्रीचिंग, प्रीचिंग से भगवान सबसे ज्यादा खुश होता है। एक एक मनुष्य होता है जो घर में बैठ के हरिनाम करता है, एक मनुष्य होता है जो चार जन के बीच में बैठ के हरिनाम करता है। तो एक जन जब खुद बैठ के मनुष्य जब हरिनाम रूम में बैठ के कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो खुद का भला कर रहा है, पर जब वो चार जन के बीच में जब हरिनाम कर रहा है ना तो क्या कर रहा है, वो चारों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये कार्तिक कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, भाई ये भरत भाई कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तो जब चार जन के बीच में आप संकीर्तन यज्ञ करते हो ना तो सब समाज दूसरे को भी इम्पैक्ट करता है, और वो चार को बोलेगा तो और चार में से कोई एक वापस पॉसिबल है कि माला उठा के वो भी यज्ञ करने बैठ जाए या तो वो भी संकीर्तन यज्ञ में जुड़ जाए। इस तरह प्रसाद का भी है, प्रसाद जब आप खुद खाते हो तो आप अपनी फैमिली तक सीमित रखते हो, पर जब आप प्रसाद खिला के जब आप खुद प्रसाद एक्सेप्ट करते हो और प्रसाद जब समाज में बांटते हो तो क्या होता है, आज हम देखते हैं ओवरऑल मार्क, ओवरऑल सोसाइटी भी क्या है, देखा देखी वाली सोसाइटी है, हर जगह लोग क्या करते हैं, इसने किया तो मैं भी करूंगा, ठीक है भाई कर, पर अगर वो प्रोसेस से करेगा, अगर वो उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा कि भाई वो भी घर में पूजा करवाएगा, वो भी घर में संकीर्तन यज्ञ करवाएगा, वो भी सबको ब्राह्मणों को खिलाएगा, वो भी वैष्णवों को खिलाएगा, तो इससे क्या होगा, भले उसने देखा देखी में किया पर कहीं ना कहीं तो पुण्य कर रहा है वो, और वो पुण्य किसी एक ने देखा वो दूसरे ने फॉलो किया, दूसरे ने देखा तो किसी तीसरे ने किया। इस तरह से जब ये साइकिल जब चालू हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा पता है, हर जगह पॉजिटिव फैलने लगेगी, हर जगह कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट फैलने लगेगा, हर जगह हरि नाम फैलने लगेगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि कभी भी कुछ करो, संकीर्तन यज्ञ करो, पूजा करो, यज्ञ करो, चार जन पांच जन सोसाइटी में पांच नेबर्स को बुलाओ, बुलाओ ताकि उनके अंदर भी ये भावना आए कि नहीं भाई कोई कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। आज अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो शायद मैं ये भी देखता हूं कि आज जब मैं करने लगा हूं तो मेरे साथ में जुड़े जो चार लोग हैं ना उन्होंने भी एक और दो दो माला हाथ में ले ली, तो क्या हुआ, एक बार तो मैं भी नहीं करता था पर मैंने किसी को देखा तो मैंने फॉलो किया, जब मैंने फॉलो किया तो मुझे कोई देख के कोई फॉलो करने लग रहा है। तो यही है, एक चेन है, जब चालू होगी तो धीमे 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 चेन जुड़ती जाएगी और ये आगे बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से कलयुग माया का प्रभाव बढ़ रहा है ना उस तरह से हमें सतयुग लाना है और कृष्ण भावना मृत का प्रभाव बढ़ाना है। तो ये वैसा ही है, बूंद बूंद डालोगे तो बूंद बूंद में आगे बढ़ जाएगा। और गृहस्थ का ड्यूटी भी यही है, गृहस्थ की ड्यूटी क्या है, वो अपने समाज में अपने आजीविका से जितना हो सके कृष्णा को सेंटर में रखे, कृष्णा भावना मृत को आगे बढ़ाता जाए, और इस तरह से एक गृहस्थ को अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए। अभी श्लोक नंबर 19 से 33 जो श्लोक है ना वो सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के टाइम और प्लेस के बारे में डिस्कस किए गए, तो उसको आज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, वो कल से स्टार्ट करेंगे ताकि उसके अंदर एक यूनिटी बनी रहे। ठीक है, हरे कृष्णा।